नवी मुंबई ते मुंबई दरम्यान या काही दिवसात शाळा कॉलेजेस मधील विद्यार्थ्यांना एक स्वस्त विष सादर करण्यात येत आहे। क्रिस्टल मेथ नामक या विषाचा समावेश ड्रग्ज मध्ये केला जात नाहीये आणि यामुळे ड्रग्ज विक्री करणाऱ्या या सौदागरांनी बेधडकपणे याचा काळा बाजार चालवलाय आणि यामुळे तरुणांचं आयुष्य मात्र उद्ध्वस्त होत चाललंय। नवी मुंबई मध्ये याचा काळा बाजार मोठ्या जलद गतीने होत आहे। या जाळ्यामध्ये विद्यार्थी वर्ग देखील फसू लागलाय आणि या प्रकरणावर नवी मुंबई पोलिसांनी आता चांगलीच कंबर कसली। ड्रग्जची विक्री करणारे आरोपी नवी मुंबई पोलिसांच्या अटकेत आले। आतापर्यंत 6 आरोपींना नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे। क्रिस्टल मेथ केस में एपीएमसी पुलिस स्टेशन में अभी तक 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया था। अभी हाल ही में और 2 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है और इसमें जो मेन एक्यूज है वो गोवंडी का रहने वाला है और यही ये कारोबार चलाता है ऐसा अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। अभी इस केस में हम जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुल 8 लोगों का हमने अरेस्ट किया है और 6 लोग हमारे रडार पे हैं। इनको जल्द ही हम अरेस्ट करेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि क्रिस्टल में जैसे जो भी ड्रग्स हैं उनका कारोबार नवी मुंबई में ना चले। सर, ऐसी कोई जानकारी मिली है जिस तरह से क्रिस्टल में ये लोग कहां से लाते हैं, जिस तरह से नवी मुंबई में स्कूलों और कॉलेजों में सप्लाई कर रहे थे? फिलहाल नवी मुंबई का समझिए एक इन लोगों का पकड़े जाने से रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन ये माल कुल मिलाकर कहां से लाते हैं ये लोग, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? नवी मुंबई में वासी पोपरखैर में और नेरुल में ये मेथ का कारोबार होता है ऐसा अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और इनको बेचने वाला जो प्रमुख आरोपी है वो गोवंडी से हमने पकड़ा है। अभी गोवंडी तक इसका कनेक्शन जा चुका है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गोवंडी को ये माल कहाँ से आ रहा है, तो ये पूरी छानबीन हम कर रहे हैं। आगे के लोग जैसे भी अरेस्ट होंगे तो हम उस जो प्रमुख आरोपी है वहां तक इस केस में पहुंच जाए। मात्र आता ज्या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे ते आरोपी मुंबईतील शिवाजीनगर विभागातील राहणारे आहेत। अय्याज आणि एजाज हे आरोपी या टोळीचे मुख्य आहेत। या आरोपींना कोर्टामध्ये सादर करण्यात आलं आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनवा अशी मागणी देखील करण्यात आली, जेणेकरून तरुणांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचेल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस थाने में मौजूद हूं, जहां पर एक नशे के सौदागर को एपीएमसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी क्रिस्टल मिथ नामक जहर छोटे छोटे बच्चों को बेचा करते थे और इसके बेचने के गोरख धंधे में भी जो लोग लगे हुए थे वो कोई ज्यादा बड़े नहीं, वो भी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे और ये जहर स्कूलों और कॉलेजों तक फैलता चला जा रहा था और यही वजह थी कि नवी मुंबई पुलिस इस गोरख धंधे को बंद करने के लिए पूरी तरह से जी जान लगाकर लगी हुई थी और इसका अंजाम भी देखने को मिला कि आज आरोपी पुलिस के कस्टडी में पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल शाह, कैनाला टीवी, नवी मुंबई।